लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र नगला पान सहाय निवासी 35 वर्षीय विश्वनाथ उर्फ बिट्टू यादव पुत्र सोबत सिंह यादव मोटरसाइकिल से थाना रामगढ़ क्षेत्र रैपुरा रोड पर घर की तरफ आ रहा था कि इस दौरान कुछ युवकों ने रास्ते में बाइक रोक उसकी मोटरसाइकिल छीन ली, वहीं विरोध करने पर फायरिंग भी की। ये जानकारी घायल ने जिला अस्पताल लाए जाने पर दी। चिकित्सक राहुल जैन ने अपनी टीम संग प्राथमिक उपचार देते हुए घायल को उसके परिजनों की अपेक्षा अनुसार आगरा रेफर कर दिया है। क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी? घटना साहब, हम वहाँ पे खड़े हुए थे, ये लोग आ गए, इन लोगों ने हमारे साथ जबरदस्ती की और हमारी गाड़ी ब्लॉक से आ रही थी साहब, मना करने पर ने हमारे पास साथ गोली मार। लोग थे, किस जगह की घटना है साहब? रेफरा स्थित की घटना है साहब। कौन लोग थे? एक का नाम काना है और एक का नाम साहब याद नहीं आ रहा है, कुछ नाम है उसका। कहाँ के रहने वाले हैं साहब, ये भी बताइए कहाँ के रहने वाले। वजह क्या है? वजह कुछ साहब, लुटे रहे हैं लोग, लूट वूट करते हैं, कई कांड करिए साहब, इनके इनके मुकदमे देखो, इनके कई मुकदमे हैं। क्या अभी अभी क्या क्या अभी सर साहब, इनने हमारी जाकर तो बाइक ले गई, बाइक छीनी, बाइक छीन ले गए। गाड़ी थी आपकी? स्प्लेंडर साहब। नंबर क्या था? नंबर साहब, नंबर डला ली उस पर, नंबर नंबर मिला नहीं अभी? नंबर मिल गया, गाड़ी गाड़ी कहाँ उसी में साहब। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी स्प्लेंडर साहब। नहीं, नंबर क्या है उसका? नंबर क्या था? नंबर साहब अभी आया है, दो दिन हुए हैं। नंबर गाड़ी का उसमें डले हुए हैं, बीमा भी है उसमें साहब, रसीद भी है उसमें, मक्खन भूसे खरीदी साहब गाड़ी में। मामला देखिए, बीटू नाम का युवक आया है, नगला पान साय का रहने वाला है और घटनास्थल रैपुरा बता रहा है। तो ये गोली लगने की बात बता रहा है, हालांकि इसके कुछ लक्षण ऐसे लग रहे हैं, लेकिन परिवारजन चाहते हैं कि इसका प्राथमिक उपचार के बाद आगरा ले जाएं। तो हमने परिवारजनों की अपेक्षा के अनुसार इसको आगरा भेज दिया है, पूरा प्राथमिक उपचार इसको दे दिया है और आगे आगरा ये मेडिकल। क्या गोली कहीं लगी है? देखिए, ये कहना भी संभव नहीं है, जब तक एक्सरे या आगे की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है ये कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि मेडिकल रिजल्ट अभी नहीं हो पाया है। परिवारजन चाहते हैं कि मेडिकल लीगल आगरा में हो, इलाज आगरा में हो, इसलिए उनकी अपेक्षा अनुसार मरीज को आगरा।